हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं खुश आमदीद कहता हूँ दोबारा अपने चैनल पे। और काइंडली सबसे पहले इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा गोट फार्मिंग के और बाकी जो डेली पर्पज़ जनरल इन्फो होती है उस हवाले से आपको ज़्यादा से ज़्यादा गाइड कर सकूँ। और कोई भी आपकी क्वेरी हो किसी भी हवाले से तो काइंडली कमेंट डाउन कीजिएगा। आज की जो वीडियो है नाज़रीन, वो गोट फार्मिंग के की फिजिबिलिटी, उसके एक्सपेंसेस पे, जो फर्स्ट मंथ के आपके एक्सपेंसेस होंगे। याद रखिएगा, फर्स्ट मंथ के जो एक्सपेंसेस होंगे वो हमेशा ज़्यादा होंगे और आपको आहिस्ता आहिस्ता एक्सपीरियंस के साथ वो एक्सपेंसेस कम करने होंगे। तो मेरे फार्म के जो एक्सपेंसेस हैं जो फर्स्ट मंथ के हुए हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। जो फीड के एक्सपेंसेस हैं वो है 35,500, ग्रॉसरी 10,000, यानी कि जो लेबर जो वहाँ पे रह रही है और उनके जो अखराजात हैं, उनके जो जो एक्सपेंसेस हैं, उनका खाना पीना और रहायश वगैरह जो भी एक्सपेंसेस हैं, उसके सारे एक्सपेंसेस 10,000। उनकी सैलरी, दो लोग हैं, 13,000 दोनों को सैलरी है। 26,000 मिसलेनियस खर्चे। मेडिसिन 22,000 रुपये की। मेडिसिन इसलिए इतनी ज़्यादा आई है कि शुरू में डॉक्टर्स ने काफ़ी मिसगाइड किया और तरह तरह के हमें एंटीबायोटिक्स और काफ़ी मेडिसिन जो बिला वजह हमने एक पूरा मेडिकल स्टोर हमें खुलवा दिया फार्म के अंदर, तो वो इसलिए ये ज़्यादा है। तो ये कॉस्ट आगे जाके कम हो जाएगी। उसके बाद ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट है 11,000, ये कोई सामान वगैरह फार्म पहुंचाना और रोज़ का फार्म आना जाना और ये सारी जो कॉस्ट है वो भी इसके अंदर शामिल होगी। उसके बाद अगर आपका शेड अपना नहीं है तो ये कॉस्ट भी आपके पास होगी 20,000। और मैं हमेशा आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आप शेड बनवा नहीं सकते तो आप शेड रेंट आउट करें, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा कैपिटल कॉस्ट जो है वहाँ से कम हो जाती है जो आपकी शुरू में इन्वेस्टमेंट होगी। तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि मेरा 28% हिस्सा जो है फीड पे लगा है और फीड का भी खर्चा, ये टोटल है जी 50 जानवरों पे, 50 बकरे बकरियों पे ये फिजिबिलिटी तैयार की गई है। ये प्रैक्टिकल फिगर्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये वो फिगर्स नहीं है कि हमने ऐसे बनाए हैं, ये वो फिगर्स हैं जो हमने एक महीने के 26 मार्च से लेके 5 मई के जो एक्सपीरियंस पे हमने ये फिगर्स हासिल किए हैं। अब जो फीड है 35,500, इसमें किस किस तरीके की फीड, क्या क्या यूज हुई, वो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हमने ये फीड जो है की है। इसमें मैं डेट चेंज करूंगा, जब से बकरे आए हमारे पास तो उसमें जो है नाजरीन, ये जो है 26 तारीख से हमारे पास स्टार्ट हुआ था मामला बकरों का, और अप्रैल और मई ये दो सेशन आ जाएंगे। तो ये देखिएगा 27 तारीख के बाद से, उसके बाद हम यहाँ से फिल्टर लगा के चेंज करेंगे फीड पे। तो जो फीड है यहाँ से आर करेंगे ताकि हमें फीड का खर्चा नजर आए। हाँ जी, ये फीड, अब ये देखें, ये सिर्फ जो खर्चा आपको नजर आ रहा है सामने फीड का खर्चा है, और ये सर 50 जानवरों की एवरेज पे अगर आप लगाएं तो 40 से 50 जानवरों का मंथली फीड का खर्चा है। ये टोटल जितना भी है इसके अंदर, कभी वंडा आया, कभी गंदम का दलिया आया, चोकर आया, भूसा आया, दूध आया और चारा आया, सब्ज और सूड़ी, खल, छिलका, जो जो भी फीड रिकमेंड हमें की गई, हमने यूज़ की, हमने देखा कि बकरा किस चीज़ में खुश है, ये पूरा जो खर्चा है 35,500 का खर्चा है, इसके अंदर भूसा चारा वगैरह हर चीज़ इंक्लूडेड है। तो ये फीड का खर्चा है। ये खर्चा आगे जाके कम हो जाएगा जब आप अपनी बकरियों को चरने पे लगाएंगे और फार्म से थोड़ा सा बाहर निकालेंगे। मैं हमेशा ये रिकमेंड करूंगा आपको कि आप उनको चरवाएं सुबह से, अपना सुबह से 8 से 11 के टाइम चरवाएं उनको, फिर आप शाम 4 से 6 तक उनको चरवाएं, और दो जो बीच के दौरान टाइम है आप उनको उस दौरान फीड दें। तो ये जो है, ये सारा फीड का खर्चा 35,500 एक महीने का है, 26 मार्च से लेकर 5 मई तक का खर्चा है, और इसमें जो है सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई शामिल है। सैलरी में दो लोग की सैलरी है 13,000 ईच। मेडिसिन के भी मैं आपको खर्चे दिखा देता हूँ कि मेडिसिन मेडिकेशन किस तरीके से हमने ली और क्या ली। इसके अंदर देखिए, मेडिसिन में हमने डेक्सा, एट्रोफीन, ग्राइपोर्टर, ड्यूरालिन, जितनी भी मेडिसिन थी डॉक्टर्स के कहने पे हमने ये सारी ली। ये 22,000 का तकरीबन ये खर्चा हुआ, लेकिन नेक्स्ट मंथ जब आप ये काम तजुर्बा आपको होता जाएगा तो ये आपकी जो जो आपकी ये कॉस्ट है ये कम होती जाएगी। अभी आप देखें कि ये टोटल कॉस्ट जो है ये तकरीबन 1,25,000 बन रही है। ये है 50 बकरों की स्टडी। 1,25,000 को कम किया जा सकता है, जैसे फीड हाफ हो जाएगी, आपकी जो सैलरी तो उतनी ही रहेगी, मेडिकेशन है तकरीबन 4-5 हज़ार रुपये आ जाएगी, तो ये जो तो आपकी कॉस्ट है 60-70 हज़ार रुपये चली जाएगी, उससे कम नहीं हो सकती। तो 60-70 हज़ार मंथली आप जहन में रखें कि आपका गोट फार्मिंग, अगर आपके 50 जानवर हैं तो आपके 50 से 60 हज़ार मंथली लगेंगे, अगर आपने जगह रेंट की हुई है और आपने दो लोग लेबर के लिए आपने रखे हुए हैं। तो ये सारी कॉस्ट थी। अब हम आ जाते हैं जी कैपिटल कॉस्ट पे, कि फार्म को स्टार्ट करने में हमें कितना तकरीबन अमाउंट लगा।
तो उसमें हम जो जितनी भी सारी कॉस्ट है वो सारे इंक्लूड करेंगे, और सारी की सारी थ्रू थ्रू आउट फेब्रुवरी से जब से हमने ये स्टार्ट किया काम, तो वो सारा हम इसमें इंक्लूड करेंगे, और कॉस्ट हम कर देंगे जी कैपिटल, जो मंथली नहीं बल्कि कैपिटल कॉस्ट कर देंगे। अभी आप कॉस्ट देखें, ये जो सारी कॉस्ट है तकरीबन 11 लाख रुपए, और 11 लाख रुपए में जो है हमने 58 जानवर लिए थे, और इसमें लॉस भी इंक्लूडेड है। 58 जानवर में से 8 मर गए मॉर्टेलिटी की वजह से, वायरस आया, एंटोटेक्सीमिया का वायरस था, ईटीवी जिसको वैक्सीन करवाते हैं, ईटीवी जिसकी, तो उसकी वजह से हमारे 8 जानवर मर गए, तो वो लॉस भी आपके अंदर इंक्लूड, उसके अंदर इंक्लूड तकरीबन 1 लाख का लॉस हुआ। तो ये टोटल आपका शुरू की जो कॉस्ट होगी फार्म शुरू करने से पहले, अगर आप शेड अपना नहीं बनवा रहे तो की उस तब की ये बात है, 11 लाख रुपए आपका ये कॉस्ट लगेगी, जिसमें 7 से 8 लाख का आपका जानवर आएगा, और उसके बाद आपका जो बकाया कॉस्ट है, अगर आप सोलर पैनल्स लगवाना चाहते हैं, आप अपने फार्म पे कैमरास लगवाना चाहते हैं, और इस तरह की काफ़ी चीज़ें, और उसके बाद ट्रांसपोर्ट की भी कॉस्ट है, आपको सामान पहुंचे, जैसे हमने अपने फार्म पे सारा बांस का काम करवाया हुआ है, तो जो बांस की सारी कॉस्ट थी तकरीबन 50-60 हज़ार रुपये, वो बांस की कॉस्ट थी, उसके बाद लेबर जो है 19 हज़ार से 20 हज़ार उसने लिया, तो ये सारी जो कॉस्ट है आपकी वो इसके अंदर इंक्लूड होगी। बाकी कोई भी हवाले से, किसी भी हवाले से आपको कोई सवाल हो, आपने पूछना हो, तो आप ज़रूर पूछिए, और हमें बताइए कि किस तरीके से इसको मिलके बेहतर बनाया जा सकता है, गोट फार्मिंग को। अगर कोई भी सवाल हो, कोई इशू हो, आप काइंडली कमेंट करें, और इस फिजिबिलिटी के बारे में मज़ीद आप सवाल, मेरे से कोई पॉइंट रह गया हो तो आप पूछ सकते हैं। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो। थैंक यू।